अध्याय 8। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तितुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, के बराबरी हो जाए। जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तितुस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है, और इतना ही नहीं परंतु वो कलीसिया से ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए। और हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि उस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष ना लगाने पाए, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के ही निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी भली हैं। हम उनकी चिंता करते हैं, और हमने उसके साथ अपने भाई को भेजा है जिसको हमने बार बार परख के बहुत बातों में उत्साही पाया है, परंतु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है, इस कारण वो और भी अधिक उत्साही है। यदि कोई तितुस के विषय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीही की महिमा है। सो अपना प्रेम और हमारा वो घमंड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ।